अगर आपके शरीर पर भी दिख रहा है ऐसा कुछ है, तो सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए, आपकी हो रही है किडनी बुरी तरह से खराब, समय रहते जान लें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रोग अनुसार में एक बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ है। जी हाँ दोस्तों, सभी जानते हैं कि लीवर हमारे बॉडी का जरूरी अंग होता है। शरीर में लीवर खाने को न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी में बदलने का कार्य करता है। इसके साथ ही हमारे बॉडी में मौजूद खून को फिल्टर करता है। कई बार आपने देखा होगा कि लीवर के डैमेज होने का पता तुरंत नहीं लग पाता है और कई बार मरीज को महीनों तक पता नहीं चलता है कि लीवर डैमेज है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं होता किडनी के साथ। अगर किडनी में कोई समस्या होती है, किडनी में कोई दिक्कत आती है, तो हमें मूत्र के रास्ते पता चल जाता है, या फिर दर्द का अनुभव ना हो फिर भी मूत्र के कलर से पता चल जाता है कि किडनी फेलियर या फिर किडनी में कोई डिजीज है या फिर किडनी ट्रीटमेंट सही से नहीं हो रहा है। ऐसे हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन लीवर में ऐसा होना मुश्किल होता है। ऐसे में आपको इसे खराब होने पर लक्षणों की जानकारी होगी तो आप बीमारी का पता लगा सकते हैं। शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग लीवर ही होता है। लीवर भोजन को सही तरीके से पचाने और शरीर में संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। लीवर को हेल्दी रखने के लिए खान पान का सही होना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि लीवर की खराबी का असर पूरी बॉडी पर पड़ता है दोस्तों। इसलिए समय रहते इसके लक्षणों को जान लें और इससे बच लें। लेकिन इसे जानने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी खास जानकारी छूटे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें। नंबर एक, दोस्तों अगर आपको अक्सर चोट लग जाती है या फिर आपके घावों को ठीक होने में समय लगता है, तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ये लीवर से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। चोट लगने के बाद ब्लीडिंग ना रुकना एक आवश्यक प्रोटीन की कमी से होता है। इस प्रोटीन के बनाने का काम लीवर ही करता है। लीवर के सही ढंग से काम ना कर पाने की वजह से प्रोटीन भी नहीं बन पाता। कुछ मामलों में लीवर की समस्या से पीड़ित लोग शौच या उल्टी में भी खून आ सकता है। नंबर दो, जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अक्सर लीवर या पेट के आसपास दर्द रहता है, तो आप इसे अनदेखा ना करें, क्योंकि यह लीवर खराब होने का संकेत हो सकता है। दरअसल जब भी लीवर में कोई दिक्कत आती है, तो सबसे पहले पेट के आसपास के हिस्सों में दर्द होने लगता है, जिसका मतलब ये होता है कि आपके लीवर में गंदगी जमा हो गई है। यह दर्द कभी हल्का तो कभी तेज भी हो सकता है। नंबर तीन, दोस्तों जब लीवर खून से विषाक्त पदार्थों को फिल्टर नहीं कर पाता है, तो यह शरीर के अन्य हिस्सों में बांट देता है। टॉक्सिन्स बनने का असर याददाश्त और मस्तिष्क स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगता है, जिसकी वजह से एकाग्रता में कमी, भ्रम, मेमोरी लॉस, मूड स्विंग और व्यक्तित्व में बदलाव आने लगता है। नंबर चार, जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब चोट लगे जाए या फिर घाव हो, तो उसे ठीक होने में समय लगता है, तो आपको डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए, क्योंकि यह लीवर से जुड़ी समस्या हो सकती है। चोट लगने के बाद खून का नहीं रुकना प्रोटीन की कमी हो सकता है। दरअसल शरीर में प्रोटीन को बनाने का कार्य लीवर का होता है, लेकिन अगर लीवर ही ठीक ढंग से काम ना करे तो प्रोटीन ही नहीं बन पाएगा। नंबर पाँच, दोस्तों कुछ लोगों के लीवर में सूजन आ जाती है, जिससे पेट का आकार बढ़ जाता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है, तो उसे मोटापा समझने की गलती ना करें, आपको परेशानी में डाल सकता है यह। उस स्थान पर समय समय पर आपको दर्द हो रहा हो, तो चिकित्सक को जरूर दिखाएं।